हेलो फ्रेंड, अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो आज हम क्या बनाना सीखेंगे, जो हमारे ड्रेस के ऊपर ही मोड़ लगे हुए हैं आज इन्हें बनाना सीखेंगे। तो मैंने आपको पूरा बनाना बताऊंगी, फिर ड्रेस के ऊपर लगा के भी दिखाऊंगी। तो चलो अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम देखो बुकरम लेंगे। तो बुकरम के ऊपर मैं कोई भी डिजाइन जिस तरह का आपको मोर बनाना है, तो मैंने देखो थोड़ा सा हल्का हल्का पहले से बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। तो हमें अपने बुकरम के ऊपर जो भी डिजाइन बनाना है, ये जरूरी नहीं है आपको मोर ही बनाना है, आप जो भी डिजाइन बनाएंगे पहले बुकरम के ऊपर इस तरह इसको पेंसिल की हेल्प से तो डिजाइन बना लेंगे। तो देखो मैंने इतना यहाँ तक बना दिया है, अब इसे हम कंची से कट कर लेंगे। इसे कट करने से पहले देखो एक बार बताती हूँ आपको, तो हम इसे एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा, मैं जो दूसरे वाला मोर होगा वो अलग से नहीं बनाना होगा। तो देखो अब हमारे साथ ही साथ दो मोर कट हो जाएंगे। इसे ध्यान रखना है कि हमें ये बिल्कुल मिला के रखना है, दबाते हुए अच्छी तरह कट कर लेना है। तो ऐसे देखो मैं बुकरम के दो पीस हैं हमारे, एक इसकी साइड में नीचे की साइड है। तो हमें जो भी हमारा एसटी बुकरम है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से करना है, तो यहाँ आप छोटे कंची से भी करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो हमारे कट के तैयार हो गए। तो देखो दो मोर बन के तैयार हो गई है। अब इन्हें क्या करना है, बुकरम के ऊपर दोनों को पेस्ट कर लेना है। तो जिस साइड हमारा डिजाइन बना हुआ है इस तरह से को हमें करते हुए बस ध्यान रखना है, एक हमें इस साइड से करना है, एक इस साइड से। यानी ध्यान रखना है दोनों मोरों का मुंह एक साइड नहीं होना चाहिए, एक का दूसरी साइड तो एक का दूसरी साइड, ऐसे हमें दोनों को कट कर लेना है। मैंने सनील का कपड़ा लिया है, नीले रंग का है ये। तो देखो इसकी जगह आप लाइट ब्लू ले सकते हो। तो इसे मैं आराम से कट करके निकाल लूंगी बाहर। तो ये देखो हमारे दोनों मोर बन के तैयार हो गई है। अब हमें इन्हें दोबारा से फिर एक बुकरम के ऊपर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं देखो बुकरम लूँगी। तो बुकरम के ऊपर हमें दोबारा से पेस्ट कर देंगे। फैब्रिक ग्लू है देखो, इससे मैं इन्हीं के ऊपर इनको पेस्ट कर दूँगी, इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे जहाँ पर फैब्रिक ग्लू काम आता है, तो मैं वहाँ लगा के दिखाती हूँ आपको। जो चीज़ हमारी इससे पेस्ट नहीं हो पाती है, यहाँ पर मैं अपनी हॉट ग्लू गन से इसको पेस्ट करती हूँ। तो यहाँ हमारा देखो इसी से अच्छी तरह पेस्ट हो जाएंगी। तो देखो हमारा मोर का मुँह एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। तो दोनों को हमें कट कर लेंगे। इसके ऊपर हमें पहले देखो इस तरह की जरकन वाली चैन लगा सकती हो, या एक बारीक वाली चैन है मेरे पास, ये वाली है, तो ये आपको ये वाली लगा के दिखाऊंगी। तो हमें देखो जैसे मैंने मोर पेंसिल से यहाँ पर एक डिजाइन बना था बिल्कुल सेम, हमें ऐसे ही करना है। तो हमें अपने यहाँ पे करते ही इसके ऊपर इसको चैन को ऊपर की साइड लेते हुए जाना है। तो ऐसे ही हमें इसकी सारी पूरी जहाँ से हमने शुरू किया था उसको वहीं पर हम ख़त्म कर देंगे। तो अच्छी तरह इसको यहाँ पर हमें पेस्ट करके बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे, ऐसे आराम आराम से। सूखने के बाद ये बहुत अच्छी हो जाती है, फिर हम दूसरी साइड भी ऐसे ही लगा लेंगे। साइड भी हमें देखो इसके ऊपर को करते हुए ऐसे जाना है, इसे भी हम यहीं से शुरू करेंगे, गर्दन के नीचे से शुरू कर लेंगे हमें। तो ऐसे हमें देखो इसको पेस्ट करते हुए वहीं पर ख़त्म कर देनी है जितनी हमारी एक्स्ट्रा होगी। तो बाकी चैन को हम कट कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह यहाँ पे तो इससे देखिए
हमें अच्छे से देख लेना है कि अच्छी तरह पेस्ट हो गई है क्या। फिर यहाँ से हमें देखो उसको जो हमारी एक्स्ट्रा है उसे यहाँ से कट कर देंगे। तो ऐसे देखो मेरे दोनों पे ओके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक देखो क्या होगा, मैं एक लाल बिंदी लूँगी छोटी वाली, इससे मैं इसकी हल्की सी नोक पे लगा दूँगी तो ये हमारी यहाँ पर लाल चोंच दिखाई देगी। तो हल्का सा चिपका भी देंगे इसे हम अच्छी तरह से, जिससे बाद में ना उतरे। दोनों साइड लगा दी है मैंने। अब देखो मेरे पास ये छोटे हाफ मोती है, इन्हें हम आँखों की जगह लगा देंगे। तो ये हमारी मोर की आँखें हो गई है। तो अब हमें ऊपर की साइड भी थोड़ा लगाना है। तो मैं यहाँ पे देखो जर्कन वाली मल्टी कलर की, जो भी आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे मल्टी कलर भी लगा सकते हो। अगर जो चैन मैंने पहले लगाई है उसे भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो ये गोल्डन वाली लगाऊंगी। तो ऐसे ही हमें देखो इसको इस तरह करना है, जहाँ पे हमारा मोड़ होगा यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। इससे क्या होगा और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखो हम एक बार साइज देख लेना है कि कहाँ तक आया हुआ है, फिर उसके बाद हम इसे कंची से हेल्प कट कर देंगे। तो दोबारा भी ऐसे ही लगाएंगे इसको। तो जहाँ तक आती है साइज देख लेंगे, फिर उसके बाद इसे कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हो गया है। अब बीच में हमें जैसे मैंने देखो यहाँ पर इस तरह पेंसिल से जो बनाई थी इस तरह ही हमें दिखा देना है, अलग से जो हमारा अलग से पंख नज़र आए। तो इसको भी मैंने अपने जर्कन चैन को कट किया है और ऐसे ही हमें ग्लू गन को लगाते हुए इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो दूसरी साइड भी हमें देखो यहाँ पर छोटी सी चैन बिल्कुल कमी यूज होगी, यहाँ पर हम कम लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह देखो यहाँ तक बन के तैयार हो गया है। बाकी काम दूसरे साइड भी ऐसे ही कर देंगे। तो देखो मैंने दोनों पे लगा के तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह स्टोन वगैरह जो भी आपके पास हो जितना सुंदर लगे ऐसे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे गोल्डन कलर के छोटे छोटे से मेरे पास स्टोन है मैं लगा दूँगी। यहाँ पे आप गोल स्टोन जैसे भी हो आपके पास, लगने के बाद अच्छे लगने चाहिए बस। तो देखो ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरे एक मोर में 6 स्टोन लग गए हैं, तो दूसरी साइड भी मैं 6 ही लगाऊँगी। तो यहाँ तक देखो हमारी बोन मोर बोल के तैयार हो जाएंगी। इसके बाद हम अब हमें यहाँ पे देखो जो मोर के सर पे होता है इस तरह का, देखो मैंने एक गोल स्टोन रख के फिर 3 लंबे वाले रख रही हूँ। तो अगर गोल वाला अच्छा नहीं लगेगा तो उसे हमें हटा देंगे। तो देखो अभी मैंने साथ के साथ देखा है कि अच्छा नहीं लगा है तो मैंने इसको हटा दिया है। फिर हमें अपने 3 इस तरह के रखने हैं और 3 ही हम इस साइड लगा देंगे। तो ऐसे देखो आप पहले मोतियों को रख के देख सकते हो। तो यहाँ मैंने सूखने के बाद अभी फिर से मैं बुकरम से कट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा जो अंदर गर्दन की साइड अंदर की साइड यहाँ पे मैं इस तरह की कंची यूज करूँगी छोटे वाली। तो यहाँ पे ध्यान से करना है, बिल्कुल मिलाते हुए, जिससे हमारी बुकरम भी दिखाई ना दे।
तो देखो कट हो गया है। अब दूसरे को भी, तो दोनों मैंने बुकरम से अलग कर दी है। अब इन्हें मैं ड्रेस के ऊपर रख के दिखाती हूँ। तो देखो ये ड्रेस का बेस मैंने आपको पहले अपनी कई वीडियो में बनाना बता दिया है। आपको ऊपर से लगाना हो चाहे नीचे से लगाना हो, जैसे आपको प्लेट डालनी है उसी तरह की आप मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हो। तब यहाँ पे मैं देखो हॉट ग्लू गन से, जिससे इसकी सिलाई नजर ना आए, यहाँ पे मैं अपना हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर एक बारीक लेस को पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमें लगा देना है। तो आज देखो मेरी हॉट ग्लू गन की मशीन भी काम नहीं कर रही है, बार बार ऊपर से दबाना पड़ रहा है इसको, देखो निकल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूरी हमें इसी से पेस्ट करनी है, क्योंकि जो नेट का कपड़ा होता है थोड़ा हार्ड सा होता है, यहाँ पे थोड़ा सिल्की सा भी होता है इसके ऊपर अच्छी तरह, अगर हम ये लगाते हैं तो उससे चिपकता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन का यूज कर रही हूँ, तो इस पर बहुत अच्छी लग जाती है, इसके बाद बिल्कुल नहीं उतरती है ये। तो पूरे इस पर हमें गोल घेरे पे अपनी बारीक वाली लेस को लगा देंगे। यहाँ पर आप मल्टी कलर की भी जो भी आपको अच्छी लगे, यहाँ पर मैंने बेस अपना नील इसी कलर का लिया है, जैसे मोर कलर होता है, पिकॉक ग्रीन लिया है यहाँ पे मैंने, आप कोई भी कलर ले सकते हो, येलो कलर के ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसके ऊपर देखो मैंने आपको मोर रख के दिखाऊंगी, तो ऐसे हमें दोनों मोरों को इस साइड रखना है। तो ऐसे रखते हुए हमें यहाँ पे देखो अब ऊपर की साइड हम मोर पंख लगाएंगे। तो देखो ये मोर पंख मैंने कट की है, तो आप इन्हें रख के पहले रख के देख सकते हो कैसे अच्छे लगते हैं। ऐसे रखने के बाद फिर हमें पीछे की साइड से इसको इस तरह दबाते हुए यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो देखो मैंने दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब जहाँ हमें खाली नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। देखो मेरे पास जो बूटी है जो मैंने बना के दिखाई थी आपको वीडियो के अंदर, इन बूटियों को भी मैं ड्रेस के अंदर ही लगा दूंगी। तो दो बूटी में मोर पंख से बनाई हुई है जो, उन्हें मैं नीचे की साइड लगाऊंगी। तो देखो मैंने इस ड्रेस के अंदर कोई दूसरा कलर नहीं लगाया है। तो यहाँ पे देखो एक बूटी यहाँ पे लगा दूंगी मैं ऊपर की साइड। तो देखो इसे और सुंदर लगने के लिए इसके ऊपर ही नीले कलर के स्टोन, कहीं कहीं स्टोन लगा देंगे, जिससे खाली भी नजर ना आए और सुंदर भी लगे। जहाँ को आपको गैप दिखता हो वहाँ पर आप स्टोन नग जो भी है वो लगा सकते हो। तो देखो इसे पूरा अच्छी तरह जहाँ जहाँ आपको खाली नजर आए वहाँ पे आप स्टोन लगा सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ तक लगा दिए। दो स्टोन हम यहाँ पे ऊपर लगा देंगे, स्टोन की जगह आप नग भी लगा सकते हो। इस तरह के बारीक वाली बूटी आती है जो, वे भी लगा सकते हो। तो देखो आप भी जरूर बनाना और बनाकर मुझे बताना कि आपकी ड्रेस बनके कैसी लगी है। और हमारे कान्हा जी की ये ड्रेस देख, और मोर पंख अगर आपकी ड्रेस से अलग निकल रही हैं हल्का सा, तो उन्हें ऊपर से आप कट कर दोगे इनके पंखों को। तो देखो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो देखो यहाँ हमारे ड्रेस के ऊपर मोर बैठ के बिल्कुल तैयार है। आपको आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।